हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भावना कार्की। इस वीडियो में मैं करने वाली हूं सेलो के नोवेल्टी प्लास्टिक बिग टू डोर कबोर्ड की अनबॉक्सिंग एंड बहुत ही इजी तरीके से असेंबलिंग और एक ऑनेस्ट रिव्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इसको अनबॉक्सिंग करने पे हमें मिल जाते हैं प्लास्टिक के कई सारे पैनल्स। तो सबसे पहले हम सारे पैनल्स के कवर हटा के अपने आगे रख देंगे। सभी पैनल्स में चिट्स लगी होती है, उनमें मेंशन होता है कि कौन सा पैनल कहाँ लगेगा। मैंने ये कवर्ड मंगाया था अमेज़ॉन से, तो वहीं से मैं इसको असेंबल करने का तरीका देख रही थी, बट कुछ खास हेल्प नहीं मिली मुझे वहाँ से। खैर, हम ले लेंगे सबसे पहले बॉटम असेंबली पार्ट एंड जो कलर्ड स्ट्रिप है ना, उसको हम अपने फ्रंट के साइड पे रखेंगे और फिर हम बैक पैनल्स एंड साइड पैनल्स को अटैच कर लेंगे बहुत ही आसानी से। सारे पैनल्स पर एक चिट लगी हुई है, उनका नाम लिखा हुआ है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी उनको ढूंढ करके उनको अटैच करने में। इस तरीके से साइड पैनल्स लगा लेंगे और जो होल्स वाला पार्ट है ना, उसको अंदर रखेंगे शेल्फ को अटैच करने के लिए। सो उसके बाद हमें चाहिए 3 कनेक्टर, एक बैक कनेक्टर और 2 साइड के कनेक्टर। उन्हें अब हम अटैच कर लेंगे। उसके बाद दोनों टॉप बैक पैनल्स अटैच कर देंगे। जो प्लेन है ना, उसको अंदर की तरफ रखना है। जो शेल्फ है उनको आप लास्ट में भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली अटैच हो जाते हैं वो। तो जितना आपको स्पेस चाहिए या जितना गैप चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम लगा लेंगे बॉटम के दोनों डोर्स। उसके बाद हमें कनेक्टर लगा लेने हैं। छोटा सा लॉक विद की भी मिल जाता है इसके साथ। देन हम ज्वाइन कर लेंगे इसके टॉप के डोर्स और लास्टली हम टॉप पैनल अटैच कर लेंगे और इसी के साथ हमारा पूरा कैबिनेट बहुत ही ईजिली और क्विकली रेडी हो जाता है। सो अब आई इसकी रिव्यू की बारी। तो क्वालिटी तो नो डाउट बहुत बढ़िया है, इजी टू असेंबल है, डिज़ाइन भी कह सकते हैं कि डिसेंट एंड एलिगेंट है, वेरी इजी टू यूज़ है, काफ़ी स्पेशियस है। बट जो इसमें लॉक सिस्टम दिया हुआ है ना, वो बिल्कुल भी एवी ही दिया हुआ है, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जस्ट ऐसे ही फीचर डाल दिया है, क्योंकि लॉक करने के बाद भी इस कैबिनेट को ईजिली खोला जा सकता है। बस यही इसका एक ये लो पॉइंट है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। बाकी बच्चों के कपड़े रखने के लिए, उनका सामान रखने के लिए, उनके रूम में रखने के लिए तो ये कैबिनेट बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। ये रूम को बहुत अच्छा लुक भी देता है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बहुत ही क्विकली ये अलमीरा अब रेडी हो चुकी है, असेंबल कर लिया है बहुत ही आसान तरीके से। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वायरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।